क्या आप एक्सेसिव स्वेटिंग से परेशान हैं? क्या हैंडशेक करने में आपको हेजिटेशन महसूस होती है, या एग्ज़ाम्स में आपकी आंसर शीट गीली हो जाती है, या मीटिंग्स या प्रेजेंटेशन में आपको एक्सेसिव स्वेटिंग का सामना करना पड़ता है, आपके कपड़े स्टेन हो जाते हैं, तो आपको हाइपरहाइड्रोसिस है? हाय, आई एम डॉक्टर मेघा मोदी. आई एम सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट वर्किंग इन दिल्ली NCR. आज मैं आपसे हाइपरहाइड्रोसिस के बारे में डिस्कस करूँगी. हाइपरहाइड्रोसिस फोकल या लोकलाइज्ड एरिया जैसे कि पाम्स में, सोल्स में, फोरहेड पर, अंडर आर्म्स में हो सकता है, या फिर जनरलाइज्ड यानी कि पूरी बॉडी पे हो सकता है. जनरलाइज्ड हाइपरहाइड्रोसिस किसी मेडिकल कंडीशन या हार्मोनल डिस्टरबेंस का इंडिकेटर भी हो सकता है, जिसके लिए आपको डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए. हाइपरहाइड्रोसिस आपको स्ट्रेस या एंजाइटी की वजह से भी हो सकता है. हाइपरहाइड्रोसिस के ट्रीटमेंट के लिए कुछ छोटी छोटी होम रेमेडीज करी जा सकती हैं जो कुछ हद तक इफ़ेक्टिव होती हैं, ज़्यादा नहीं, बट फिर भी हम घर पर बेकिंग सोडा या टैनिक एसिड जो कि हम टी लीव्स से ऑब्टेन कर सकते हैं, एप्पल सिडर विनेगर या फॉर्मल्डिहाइड का यूज़ कर सकते हैं. हाइपरहाइड्रोसिस के लिए कुछ मेडिकली प्रिस्क्राइब्ड एंटी परस्परेंट्स जिनमें एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है, वो आपके स्वेट ग्लैंड्स को ब्लॉक करने में हेल्प कर सकता है और स्वेटिंग को रिड्यूस करने में काफ़ी हद तक हेल्प कर सकता है. एल्यूमिनियम क्लोराइड को आपको नाइट में यूज़ करना चाहिए ताकि वो सफिशिएंट पीरियड तक बॉडी के कांटेक्ट में रहे, जिससे कि आपके स्वेट ग्लैंड्स ब्लॉक हो जाएं. इसके अलावा कुछ ओरल मेडिसिन जैसे कि ग्लाइकोपायरोलेट स्वेटिंग के लिए प्रिस्क्राइब करे जाते हैं, बट उनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स जैसे ड्राई माउथ, ड्राई आइज कॉमनली ऑब्जर्व किए जाते हैं. आयंटोफोरेसिस भी हाइपरहाइड्रोसिस का एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है, बट इसके लिए आपको रिपीटेड सेशंस लेने होते हैं. एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हाइपरहाइड्रोसिस के लिए बॉटुलिनम टॉक्सिन के इंजेक्शंस हो सकते हैं, जो आपके इन्वॉल्व एरियाज जैसे कि आर्मपिट्स या फिर फोरहेड, पाम्स पर आपको इंजेक्ट किया जाता है, और वो आपको 4 to 6 मंथ्स के लिए स्वेटिंग से फ्रीडम दे सकता है.